Manish Tiwari is speaking right now in the Lok Sabha. Let's just briefly dip in and listen to Manish Tiwari. पेट के पीछे चीन की राजनीतिक मंशा क्या है? और मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि सितंबर 2020 से जब से यह सदन मिला था कोविड के बाद, आज तक इस सदन में चीन के ऊपर चर्चा नहीं हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसी थिएटर लेवल की इंकर्शन हो, घुसपैठ हो और हमारे खुफिया तंत्र को पता ना लगे? क्या हमारा खुफिया तंत्र कहीं पे विफल रहा है? और मैं एक कागज पढ़ना चाहता हूं जो एसएसपी हैं लेके उन्होंने डीजीपी आईजीपी की कॉन्फ्रेंस को एक पेपर प्रस्तुत किया था, उसके दो अंश मैं पढ़ना चाहता हूं। प्रेजेंटली दे आर 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स फ्रॉम कोराकोरम पास टू चूमर which are to be patrolled regularly by the ISFs. ISFs means Indian Security Forces. Out of 65 patrolling points, our presence is lost at 26 patrolling points. That is patrolling point number 5 to 17, 24 to 32, 37, 51, 52, 62, due to restrictive or no patrolling by the Indian Security Forces. Later on, China forces us to accept the fact that as such areas have not seen the presence of Indian security forces or civilians since long, the Chinese were present in these areas. This leads to a shift in the border under the control of the Indian security forces towards the Indian side, and a buffer zone is created in all such pockets, which ultimately leads to a loss of control over the areas held by India. This is a tactic of PLA to grab land इंच बाय इंच, विच इज नोन एज सलामी स्लाइसिंग। ये मैं नहीं कर रहा, कह रहा सभापति महोदय, ये सरकार के एक उच्च अधिकारी एसएसपी ले पीडी नित्या उनका नाम है, उन्होंने लिखित में ये कागज डीजीपी आईजीपी की कॉन्फ्रेंस के समय प्रस्तुत किया था। सरकार की तरफ से आज तक इसका खंडन नहीं हुआ है। और मैं इसलिए सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है जो अधिकृत तौर के ऊपर एक सरकारी अधिकारी ने कही है, एक उच्च अधिकारी ने कही है कि 65 में से 26 ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहां पे हमारी सुरक्षा फोर्सेस पहुंच नहीं सकती? क्या यह बात सही है कि आपके ये जो को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे पेट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्या यह बात सही है? इसके कारण 2000 किलोमीटर जो भारत की सरजमीन है वो भारत के कब्जे के बाहर चली गई है? ये बड़े गंभीर सवाल हैं, जिन गंभीर सवालों का इस सरकार को जवाब देना चाहिए। इसके साथ साथ अध्यक्ष सभापति महोदय, थैंक यू, थोड़ा सा मेरे को आप दो मिनट का समय और दीजिए। सभापति महोदय, हम ये पूछना चाहते हैं कि 18 राउंड मिलिट्री टू मिलिट्री बातचीत हुई है चीन के साथ, और 18 राउंड में क्या निष्कर्ष निकला है? क्या यह बात सही है कि जितने बफर जोन बने हैं वो सारे बफर जोन भारत की सरजमीन में बने हैं? जितने बफर जोन बने हैं मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स के बावजूद, वो बनस्पत वो भारत की सरजमीन में बने हैं? हम ये पूछना चाहते हैं कि जो विदेश मंत्रालय के स्तर पे बातचीत चल रही है चीन के साथ, उसका क्या निष्कर्ष निकला? ये सारे गंभीर सवाल हैं जिनका जवाब आप सरकार को देना पड़ेगा। और मैं सभापति महोदय, मेरे को मालूम है समय कम है, मैं सिर्फ एक बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि एक आप तरफ जितना तो देर तक बोलेंगे आपका पार्टी का टाइम खत्म। सभापति महोदय, मेरे को यह कहा गया है कि हमारा पार्टी का टाइम सुरक्षित है, ये समय आपने अध्यक्ष जी ने मेरे को दिया है अपने समय में से निकाल के, इसलिए मैं समय ले रहा हूं। मैं आखिरी बात सभापति महोदय, एक बात कहना चाहता हूं। तो एक तरफ तो हमारे जांबाज सिपाही चीन का मुकाबला कर रहे हैं, 50-60 हजार लोग वहां पे सरहद पे तैनात है, दूसरी तरफ चीन के साथ जो हमारा व्यापार है वो बढ़ता ही जा रहा है। 2022 में हमारा ट्रेड डेफिसिट चीन के साथ 101.2 बिलियन US डॉलर था। ये जो हमारे इंपोर्ट थे चाइना से वो 2021 में 97.5 बिलियन डॉलर थे, 2022 में 118.5 बिलियन डॉलर हो गए, और जो हमारे एक्सपोर्ट है वो 28 बिलियन डॉलर से घटके 17 बिलियन डॉलर रह गए। तो
तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चीन हमारे खिलाफ आक्रमण कर रहा है उस आक्रमण करने के पैसे हम उनको दे रहे हैं ट्रेड डेफिसिट के थ्रू? तो इसलिए सभापति महोदय, ये जो सवाल है इनके ऊपर हम सरकार से जवाब मांगते हैं। और मैं आखिरी बात यही कहना चाहूंगा, सवाल बहुत है, संवाद की कमी है। अगर संवाद रहता तो इंडिया को ये जरूरत ना पड़ती कि इस सदन में ये हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आते। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इन सारे सवालों का सरकार पूरी जिम्मेदारी से और पूरी सच्चाई से जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।